राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हुआ आज पन्ना जिले में आयोजित कांग्रेस पार्टी के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के सह प्रभारी पन्ना जिले के प्रभारी आदरणीय मित्तल साहब, हमारे पन्ना जिले की अध्यक्षा आदरणीय शारदा पाठक जी, कार्यक्रम में उपस्थित पन्ना जिले के बनौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक आदरणीय शिवदयाल बागरी जी, हमारे बीच में उपस्थित पन्ना विधानसभा के पूर्व विधायक आदरणीय श्रीकांत दुबे जी, कार्यक्रम में उपस्थित बनौर विधानसभा के पूर्व विधायक आदरणीय भोंदर चौधरी जी, देश में उपस्थित कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्षा आदरणीय दिव्या रानी जी, पूर्व में चुनाव लड़े आदरणीय शिवजीत सिंह भैया राजा जी, हमारे बीच में उपस्थित पूर्व में चुनाव लड़े बहन आदरणीय मीना यादव जी, कांग्रेस की महिला अध्यक्ष आदरणीय जीराबाई जी, हमारे बीच में उपस्थित पीसीसी के मेंबर आदरणीय भाई गिरधारी लोधी जी, रामलाल जी एवं सम्मानित मंच, हमारे सामने उपस्थित कार्यकर्ता साथियों, आज कांग्रेस पार्टी द्वारा यह कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम में प्रयास से लेकर के तमाम कार्यकर्ताओं के विचारों को हमने सुना और अपने अपने पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं ने विचार रखे और निश्चित तौर पर उन विचारों में हमारे प्रभारी जी गौर करेंगे। हमारे मित्र साहब जो आदरणीय हमारे कार्यकर्ताओं ने विचार रखे हैं उस पर निश्चित तौर पर गौर करेंगे। मैं एक तो सबसे पहले जो हमारी नव निर्वाचित लगभग 200 लोगों की टीम है, सबसे पहले तो मैं उसको बधाई दूं कि नव निर्वाचित हमारे सभी टीम को मेरी तरफ से बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। सवाल हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार बने और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए हम कार्यकर्ताओं को करना क्या है, ये हमें प्रभारी जी बताएंगे और निर्देशित करेंगे कि हम सरकार कैसे बनाएंगे। मुझको ऐसा लगा मैं थोड़ा सा कार्यकर्ता पार्टी से हटके भी थोड़ा सा बात रखना चाहता हूं, जो मुझको ऐसा लगा जो हमारे लोग विचार रख रहे थे उन विचारों के अंदर तो एक तरह से ऐसा लग रहा था कि हमारे देश में थोड़ा सा अनमन है। ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। आदरणीय हमारे मित्र साहब से और आदरणीय प्रभारी जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे मंच के बीच में इस प्रकार की बात अनमन की आई है उसको समाप्त होना चाहिए। ये हमको आपको ये निश्चित तौर पर संकल्प लेके उसको समाप्त करने के लिए हम आपसे आग्रह करते हैं। हम ये जानते हैं और हमको भी लगता है, सारे जिले को लगता है और प्रदेश को लगता है कि निश्चित तौर पर हमारे आज हमारे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए भी हमें पन्ना जिले में काम करना चाहिए। हमने देखा है कि निश्चित तौर पर हमें भी अनुसूचित जाति के लोगों को अनुसूचित
ऊंचे जनजाति के लोगों को, पिछड़े समाज के लोगों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी महत्व देने की आवश्यकता है जो हमारी चार सार्वजनिक नहीं है। इसलिए हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि निश्चित तौर पे जो हमें महत्व नहीं मिला, अनुसूचित जाति के लोगों को महत्व नहीं मिला, अनुसूचित जनजाति के लोगों को महत्व नहीं मिला, पिछड़े समाज के लोगों को महत्व नहीं मिला, इसलिए हमारा ये निवेदन है कि निश्चित तौर पे हमारे अध्यक्ष महोदय सारे तथ्यों पे विचार करके सारे लोगों को महत्व देने का काम करें, और निश्चित तौर पे जो हमारा संगठन है, चाहे वो मंडल का संगठन हो, चाहे सेंटर का संगठन हो, चाहे ब्लॉक का संगठन हो, निश्चित तौर पे वो काम करता है। सारे सरकार कार्यकर्ताओं मनसा है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बने, इसलिए हम ये चाहते हैं कि सरकार बनाने के लिए हमें सरकार की नीति को निश्चित तौर पे जो हमारे ऊपर वाले लोग हैं उसके आधार पे हमारे बीच में संगठन में और टिकटों पे भी विचार करके देंगे। ऐसी आशा रखता हुआ, विश्वास रखता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जीवन सिद्धांत।